उठो उठो चलो, धूप निकल आई है, जल्दी करो बाहर निकलो निकलो। उठा दिया आपको जल्दी। हाँ तैयार भी होना है। चैप्टर टू बेसिकली डील्स विद और असेंट फ्रॉम डेट 17 जो कि जांसकार सुमडो था, जांसकार सुमडो से सिंकुला टॉप तक। सो बेसिकली लास्ट दिन क्या हुआ था कि बारिश की वजह से हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए थे। सो हम रुक गए थे जाके जांसकार सुमडो पे। फिर जब हमने नेक्स्ट डे उठे तो बिल्कुल ब्राइट सनलाइट थी, बिल्कुल बादल नहीं थे। सो एकदम क्लियर मौसम था। बाकी लोगों से भी हमने बातचीत करी तो यही लगा कि हाँ मतलब आज पूरे दिन लगभग मौसम क्लियर ही रहेगा। सो हमने डिसाइड किया कि ठीक है आज हम यहाँ से निकल के अप्रॉक्सीमेटली पुणे तक जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि विकास यहाँ से निकल रहा है और मानवेंद यहाँ तैयार हो रहा है। सो मानवेंद जब तैयार हो रहा था तो यहाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि मानवेंद का बैग है। सो इस वाले फ्रेम में मानवेंद बेसिकली अपने बिना अपने बैग के जा रहा है। सो ही कम्प्लीटली फॉरगॉट हिज बैग, इसको याद ही नहीं रहा कि मतलब बैग भी है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये चला गया, मैं इसको बुलाता रहा लेकिन ये आया नहीं। और फिर इसका बैग मुझे ले जाना पड़ा, थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नहीं ले गया, 2 किलोमीटर तक ही ले गया। फिर उसके बाद आए कॉट ऑफ विदिन। इसके बारे में मानवेंद अभी बाद में बताएगा वीडियो में। यहाँ पे मानवेंद जा रहा है, इस पॉइंट पे मैं बेसिकली उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था। सो आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड कॉलिंग हिम, लेकिन वो काफ़ी दूर था। ये जो फ्रेम है बेसिकली दिस इज़ द जांसकार सुमडो एरिया। सो इसको हेलीपैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है। और ये बाकी का जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, बेसिकली दीज आर द कंस्ट्रक्शन टीम्स जो कि यहाँ पे रहती हैं, यही लोग इस एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन हैंडल कर रहे हैं। और बेसिकली इसी जगह जो ये वाइट बिल्डिंग्स हैं, इसी जगह हम लोग रात में स्टे किए थे। जो इनिशियल पार्ट्स ऑफ द क्लाइम है सिंकुला के, उसमें पूरा अच्छा टायरमैक हुआ हुआ है, अभी नया है इसलिए भी अच्छा लग रहा है। बट द एसेंट इज क्वाइट स्टीप, लेकिन अच्छी बात यह है कि टायरमैक है तो कहीं भी ऐसे बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है ग्रिप का, बिकॉज द टायरमैक इज़ वेरी स्मूथ। कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं बट इट्स मोस्टली वेरी गुड। और ये जो चीज़ है ये डेट 30 तक है, दैट मीन्स कि 13 किलोमीटर्स तक आपको प्रॉपर टायरमैक मिल रहा है। आपका चढ़ाई मिलेगा, उसके बाद 2.5 किलोमीटर के बाद फिर चढ़ाई मिलेगा, फिर कैंची आएगी, उसके बाद इसको पक्की कर देंगे, पक्का कर 30 पार कर दिया पक्की। मज़ा आ गया, मार्क्स इसमें मज़ा आया। हाँ अरे मज़ा आता है मेरे को तो। मेरे को पिछले साल वाला फटी हुआ था ना, इस बार नहीं होना चाहिए। इस पास का सिर्फ एक ही गंदा है सीन है, इतनी गंदी हवा चलती है। कोई बोल रहा था कि सिंकुला से 3 किलोमीटर पीछे तक तारपोल हो चुका है। नहीं बात नहीं बोल रहा है, बजरी लगा है, बजरी लगा रहा है, लगा रहा है, लगा नहीं है, लगा रहा है, काम चालू है, तारपोल भी हो रहा है, बजरी भी लग रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर ये ढाबा था, यहाँ पर हमने पूछा क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे थे तो हमारा दिमाग में यही सवाल था कि भाई आगे रोड मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा। तो हम जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हमको मिल रहे थे या जो भी टेंट्स वगैरह मिल रहे थे, तो हम यही पूछ रहे थे कि यार आगे क्या सिचुएशन है रोड की। ऐसा कोई इशू नहीं था रोड होने ना होने से, क्योंकि अब अल्टीमेटली अक्रॉस तो जाना ही था, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी सी थी दिमाग में कि हाँ यार पूछ लें क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने भी हमको यही बताया कि आगे डेट 30 तक जो 30th किलोमीटर ऑफ द रोड है फ्रॉम 0 पॉइंट, वहाँ तक की रोड तो बनी हुई है, उसके बाद भी जो पार्ट है दैट इज कंसिडरेबली गुड। और मानवेंद्र कुमार कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हो रहा है महसूस, ये टफेस्ट पार्ट था, यहाँ से क्लाइंब ग्रेजुअल है। अब मेरी मोटिवेशन बढ़ा रहे हो? नहीं नहीं एक्चुअली तभी तो यहाँ पे ढाबे बने हुए हैं। चाय पिएगा तू? अच्छा था बेनेड्रिल पियोगे? बेनेड्रिल नहीं, बेनेड्रिल नहीं अभी नहीं। आधा किलोमीटर नहीं, अढ़ाई किलोमीटर, अढ़ाई होए दो रंधा। चार कैंची मीन्स यहाँ से ये दिख रहा है, ये मिट्टी वाला टीला पहला जो पत्थर है ये है हमारी चार कैंची। सो बेसिकली विकास एक बार इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में सिंकुला की क्लाइंब कर चुका था।
सो ही हैड सम आइडिया और मानवेंद्र उससे बार बार पूछे जा रहा था कि कैसी है बताओ, कैसी है बताओ, क्लाइंब कैसी है, कैचियाँ कहाँ से चालू होंगी। तो उसके दिमाग में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। विकास उसको अलग अलग तरीके से समझाता था कि नहीं यार यहाँ से वहाँ तक कैसा है, यहाँ से वहाँ तक कैसा है, आखिरी में चार कैची आएंगी। तो ये जो है ये बेसिकली 27th किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द जीरो पॉइंट 27th किलोमीटर पे ये ढाबे हैं। दीज आर फ्रॉम द बाय द नेपाली कम्युनिटी ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको फूड मिलता है और थोड़ा बहुत स्टे मिल सकता है। अगर आपके पास अपना खुद का टेंट है तो आप टेंट डाल सकते हो। अगर आपके पास टेंट नहीं है तो आपको ये ढाबे में ही सोना पड़ेगा। तो अकोमोडेशन विल नॉट बी गुड, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना खुद का टेंट कैरी करो। तो उस केस में आपको फूड यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट स्पॉट बिफोर सिंकुला जहाँ पे कि आपको खाना रहना मिल सकता है। सो अगर ऐसा है कि आप जांसकार सुंडो पार कर चुके हो, जांसकार सुंडो की पार करने के बाद आप जा रहे हो आगे टूवर्ड सिंकुला टॉप, तो आप यहाँ पे दिस इज द लास्ट स्पॉट जहाँ पे कि आप खा सकते हो। अरे बिल्कुल सही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सही। हाँ लेकिन करते रहो, चलो कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। आज पुणे पहुंचना ही है, चाहे रात को चलना नहीं पड़े, पुणे पहुंचेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत सही चल रहा है भैया, मैं पिछले साल से बाहर से होकर रोकूँ। हाँ चलो भैया, मैं बैग भूल गया था अपना, तो मैं चले जा रहा हूँ भैया। मैंने देखा कि भैया नीचे खड़े हुए हैं, मैंने कहा चलो मेरी वजह से धीमे आ रहे होंगे। फिर मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा भैया पैदल आ रहे हैं, अभी भी पैदल है। मैंने कहा ये सिचुएशन तो बड़ी मतलब वैसी है, मतलब इम्पॉसिबल टाइप की। तो मैं चले जा रहा, मैंने कहा चलो कुछ होगा, कुछ वीडियो वीडियो बनाना होगा। फिर मैंने मुड़ के देखा पीछे से आवाज़ आती है, एक बैग उड़ के फेंका नीचे। मैंने कहा ये तो मेरा बैग है, ऐसा मैं बैग भूल गया यार। आगे यहाँ से आपको 10 किलोमीटर जाने के बाद ऐसे डाउन मिलेगी रास्ता, वहाँ तक रोड सिंगला टॉप तो आपका इधर हुआ। ये 30 है ये। हाँ ये 30 है। अच्छा यहाँ से 10 किलोमीटर बस और हैं। हाँ 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको डाउन मिलेगा, सिंगला टॉप से डाउन है उधर। सही है सही। उधर रोड है और आपका 126 RSC मिलेगी। वाह वाह। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि आगे आपको कॉन्क्रीट की रोड मिलेगी या जो भी है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। दांत बड़े सफेद है तेरे भाई। तो ये जो है दीज आर द फाइनल कैची, जो चार कैची की विकास बात कर रहा था मानवेंद्र को, जिसको मानवेंद्र को इन्होंने समझाया था कि भाई चार कैची आएंगी, दे विल बी क्वाइट टफ एंड दे आर द फाइनल असेंट। तो ये फाइनल असेंट है और वी आर वेरी नियर द सिंकुला पास एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे बर्फ तो दिख रही है, काफ़ी बर्फ थी एट द पास, बट ठंड एज सच कुछ नहीं थी। मतलब इट वॉज द विंड वॉज वेरी माइल्ड और वेदर भी काफ़ी माइल्ड था। इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी कम्फर्टेबल। और ये बेसिकली पहली वाटर क्रॉसिंग थी जो हमको पड़ी थी जस्ट बिफोर क्रॉसिंग द पास। सो यहाँ पे ये था कि ये दोनों लोग ही जूते पहनकर गए थे और जूतों के साथ मोजे वो मेरीनो वूल वाले पहनकर गए थे। सो दे आर इशू एट एवरी वाटर क्रॉसिंग थ्रू आउट द राइड वर्स कि हमारे पैर गीले हो जाएंगे। सो हर बार क्या होता था कि कोई वाटर क्रॉसिंग आती थी और मैं साइड में खड़ा होता था और देख रहा था, और ये लोग फिगर आउट करते रहते थे कि यार किस तरह से वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की जाए विदाउट गेटिंग आर फीट वेट, विच इज़ क्वाइट अ हार्ड टास्क अगर आप उसके थ्रू राइड नहीं कर पा रहे हो तो।
तो अगर वाटर क्लियर होता है बिल्कुल उसके आर पार दिख रहा है सो इट्स वेरी इजी टू राइड थ्रू दैट वाटर क्रॉसिंग. लेकिन अगर पानी के आर पार नहीं दिख रहा है तो समटाइम्स इट बिकम्स ट्रिकी और आपका पैर पानी में चला ही जाता है. सो ये दोनों वही अवॉइड करते रहे. मुझे इसलिए अवॉइड नहीं करके गया क्योंकि मैं सैंडल्स पहन के गया था. आई वाज लीस्ट वरीड अबाउट गेटिंग माय शूज वेट. सो वाटर क्रॉसिंग पार करने के बाद दिस वाज द फाइनल असेंट. और ये जस्ट बिफोर द पास देयर इज अ डिसेंट. जो पास है वो एग्जैक्टली इज नॉट द टॉप पॉइंट. टॉप पॉइंट पहले आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतर के पास है. सो दिस इज द फाइनल डिसेंट. और ये डिसेंट करते ही इमिडिएटली ये बैकग्राउंड में दिख रहा है यहाँ पे, दैट्स द पास. हर पास के जो टॉप पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है जहाँ पे कि डिसेंट चालू होता है उसके बाद, सो देयर इज अ स्मॉल टेम्पल. उस टेम्पल के आसपास काफ़ी सारे प्रेयर फ्लैग्स लगे होते हैं, एक बोर्ड लगा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे आपको इमिडिएटली यू कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ ये पास आ गया है. करवाजी. सो बेसिकली दैट वाज आवर असेंट टू सिंगुला पास फ्रॉम जांसकार सुंडो. सो अगर इसको कंपेयर करें थोड़ा सा तो दिस पास इज सिमिलर टू बारालाचा पास इन इट्स क्लाइम, इन इट्स डिस्टेंस. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फ्रॉम अ साइकिलिंग पर्सपेक्टिव, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. इट्स सॉर्ट ऑफ अ मॉडरेट सॉर्ट ऑफ अ पास. सबसे अच्छी बात है कि सर्फेस कहीं भी ख़राब नहीं है. सर्फेस ज़्यादातर या तो टर्मैक है, और अगर टर्मैक नहीं भी है तो इट्स बुलडोज ग्रेवल. सो कहीं भी कोई लूज सर्फेस नहीं है जिसपे कि परेशानी आए. और हमारे केस में मैं आधे पास में बारिश मिला था द प्रीवियस डे और आधे पास में अच्छा वेदर मिला था, तो मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली आई विल बी डीलिंग विद डिसेंडिंग फ्रॉम द पास एंड गेटिंग टू करगिल. सो पास के टॉप और बॉटम के बीच में एक लखांग नाम की और जगह पड़ती है विच वी केम अक्रॉस. वहाँ पर वाटर क्रॉसिंग्स भी थी और देर वॉज अ वेरी मैजेस्टिक माउंटेन. सो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे.